हुआ है क्या? अच्छा, हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला हम यस लोगों सर। को? ओके ओके, गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग जीएसटी क्लास में। अच्छा, गुड इवनिंग एंड वेलकम। अच्छा, तो फिर जीएसटी में आज क्या पढ़ना है सर? हम लोग चार जॉब जीएसटी बात करते थे, है ना? चार जॉब जीएसटी जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतना तो आइडिया हो गया होगा इंट्रोडक्शन से लेके। इंट्रोडक्शन किया आप लोगों ने, फिर आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारा बात हुआ, उसके बाद सप्लाई, है ना? सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी होने का मतलब जीएसटी चार्ज करने से पहले सप्लाई होना ज़रूरी है। जब तक सप्लाई नहीं हो जाता तब तक आप चार्ज नहीं कर सकते। और चार्ज के अंदर तो बहुत सारा पॉइंट में डिस्कशंस किए। अच्छा, नोट्स मैंने रेडी कर लिया, आज ही आप लोगों को शेयर करूँगा, बल्कि अभी शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को जीएसटी चार्ज का जो नोट्स है, अभी शेयर कर देता हूँ। भूल जाऊँगा फिर से, भूलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। जीएसटी 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 चार्ज, चार जॉब जीएसटी। बेसिकली चार जॉब जीएसटी क्या है सर, कोई बताए मुझे? आज तो लास्ट लेक्चर से तो चार जॉब जीएसटी का, बिकॉज ऑलरेडी सभी मैटर में डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ऐसे कॉम्पोजिशन ले भी, जो वन ऑफ दी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, याद है क्या आप लोगों को कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में? अरे याद है कि नहीं, थोड़ा बताओ ना किसी को, थोड़ा बहुत याद कि हाँ सर कॉम्पोजिशन लेवी याद है, याद है या नहीं? किसको मिलता है कॉम्पोजिशन बताओ ना, कौन कॉम्पोजिशन ले सकता है? अरे कुछ तो बताओ, चुप मत रहो। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी लोअर में? टैक्स पेयर, हाँ बोलो। लोअर टैक्स पेयर ज़्यादा कॉम लोअर, जीएसटी है। यस सर, यू कैन से इट लाइक दैट, मींस बेसिकली फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, है ना? स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हुआ है कि आप अगर रेगुलर टैक्स पेयर्स नहीं हो पाते हो, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर्स को रेगुलर टैक्स देना पड़ता है। रेगुलर टैक्स इन द सेंस, से फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ। जैसे मानो नॉर्मल जो रेस्टोरेंट सर्विस होता है वहाँ पर जीएसटी होता है 18% का। नॉर्मल अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, अगर वो जीएसटी लेता है, आप कभी चेक करना, 18% का जीएसटी लेता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप लोग रेस्टोरेंट जाना है, आप मतलब आना जाना करते हो, आप लोग कितना जीएसटी चार्ज करता है रेस्टोरेंट वगैरह में नॉर्मली? बोलो ना सर, थोड़ा सा ठीक ठाक रेस्टोरेंट जो क्वालिफाई करता है 18% लेता है कि नहीं लेता? प्रिया, नील, नंदिनी, कोई भी बताओ, मौसमी, विशाल, कितना जीएसटी चार्ज करता है? 18% करता है कि नहीं? अरे लेकिन अगर आप बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप मानो कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हो, लेकिन हर कोई नहीं आ सकता ना, लिमिटेशन है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो ही जाके आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर जाता है रेस्टोरेंट सर्विस में, तो फिर आप कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते। तो इसी तरह का कॉम्पोजिशन का काफ़ी सारा पॉइंट हम लोग देखा था। 1.5 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख का लिमिटेशन है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स का एक बहुत बड़ा एरिया था। इसके अलावा अच्छा, स्पेशल कैटेगरी में कश्मीर भी आता है, बट कश्मीर 75 लाख में नहीं आता है। एक बार रिकॉल करा दे क्या लास्ट क्लास? ठीक है चलो, बड़ा बहुत ही अच्छा डिस्कशन था सर, ये चार जॉब जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा, ये जीएसटी प्रैक्टिस इनर का एक कॉन्सेप्ट है, ये नॉट इन दिस चैप्टर, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मतलब आप लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बन सकते हो बताऊंगा। अच्छा तो फिर चलो, स्क्रीन शेयर है कि नहीं आप लोगों से? क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आज, कुछ इच्छा है, काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आज मुझे बताने का मन है। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर है? यस सर। ओके तो देखो सर, बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन मेन एरिया था, मैं एक बार आपको अगर
फटाक से पूरा रिकॉल करा देता हूँ कि ये चार जॉब जीएसटी के अंदर हम लोग बेसिकली क्या क्या मेन मेन मैटर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसे कि मतलब आप जीएसटी का कमेंसमेंट वगैरह ये सब हो चुका है, लेवी एंड कलेक्शन, सीजीएसटी और आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी जो भी हो, कैसे उसका कलेक्शन होता है, किस पे लगाया जाता है, ठीक है। चार्ज मतलब क्या, लेवी करना मतलब बेसिकली किसी के ट्रांजैक्शंस पे चार्ज करना, किसको जीएसटी देना है, ठीक है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे दो तरह का होता है ना सर जीएसटी, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जीएसटी चार्ज कॉन्सेप्ट। एक होता है सर फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है, सर ये तो पुराना बात है फिर से बता रहे हो, अरे सर एक ही बात रोज बताते हैं फिर भी भूल जाते हैं। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम लोग आरसीएम के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एक स्पेशल डिस्कशन है। नॉर्मल जो जीएसटी है ना सर, वो क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज, मतलब मेनली जो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस होता है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस मेनली वही उसी को जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना होता है। बट कई बार ऐसे होते हैं रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो रिसिपियंट है उनको जीएसटी डायरेक्टली सरकार के घर में जमा करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आरसीएम। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 16-17 एग्जाम्पल्स देखे थे कि किसको किसको आरसीएम कैटेगरीज में डाला जाता है। उसमें बहुत वाइटल एक था सर जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसका एक बड़ा अच्छा डिस्कशन था। एक था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक था मोटर व्हीकल्स का एक एग्जाम्पल था, याद है क्या? अरे थोड़ा बहुत याद तो होगा, ये सब तो एकदम इंट्रोडक्शन था जीएसटी चार्ज का। इसके बाद अगर किसी का मिस है मैं बार बार बोलूंगा, एक बार जरूर देख लेना सर, ठीक है। ये देखो ये लिस्ट यहाँ से चालू हुआ था आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, कि भाई मतलब फॉरवर्ड चार्ज तो नॉर्मल है, बट रिवर्स चार्ज में जीटीए के बारे में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से और नहीं बोलूंगा बिकॉज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा केस है, ठीक है। इस तरह का हम लोग मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर चल के चलते 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 पहुंच गए थे 16 ऐसे सर्विसेज था जो आरसीएम के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने सर जीटीए के बारे में स्पेशल डिस्कशन हुआ था, पूरा फ्लो चार्ट के हिसाब से समझे थे। आफ्टर दैट व्हीकल रेंटिंग्स, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसको भी हम लोग आरसीएम के अंदर क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर जो कंपनी में काम करते हैं वो भी कंपनी को सर्विस देता है, ठीक है। तो इन दैट केस डायरेक्टर के पेमेंट में जीएसटी आता है कि नहीं आता है, इसका एक बड़ा अच्छा डिस्कशन था कि टैक्सेबिलिटी ऑफ रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर, क्या इसमें जीएसटी है, अगर टीडीएस है तो क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड सर लास्ट क्लास में। अच्छा टैक्स पेबल बाय दी सीईओ, सॉरी सीईओ नहीं सॉरी ईसीओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये जो फ्लिपकार्ट अमेजन नाइका इस टाइप का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना सर, जो बेसिकली ई कॉमर्स करते हैं, उनके केस में क्या होता है जीएसटी का केस, बिकॉज ये लोग एक मतलब किसी और सप्लायर से लेके भी मतलब प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। फिर जीएसटी का क्लासिफिकेशन, एंड जीएसटी का क्लासिफिकेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जीएसटी को सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसके अंदर एक स्पेशल डिस्कशन एचएसएन कोड है ना, थोड़ा सा मैं बताया था। और मैं आपको ये भी बताया था कि सर एचएसएन का एक स्पेशल क्लास है जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बट आप लोग मुझे और बताया नहीं और मैं भी आप लोगों को शेयर नहीं किया, तो सर आज ज़रूर बताना है कि सर एचएसएन का क्लास शेयर करो, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, भूलने वाला चीज़ है नहीं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि व्हाट इज एचएसएन कोड्स। किसी भी जीएसटी बिल उठाओ आपको दिखेगा, अगर आप जीएसटी बिल चेक करते हो ना मार्केट में, कोई कभी भी जीएसटी बिल दिखता है, यू विल आप नोटिस करोगे वहां पर आपको एचएसएन कोड दिखेगा। तो क्या होता है एचएसएन, इसके बारे में पूरा डिस्कशन मैंने एक पर्टिकुलर क्लास में आप लोगों के साथ करके रखा। अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस भी उसी तरह से आप लोगों के साथ मैंने बात किया था। जीएसटी रेट्स करेंटली क्या चल रहा है वो मैंने बताया था, ये एकदम रिसेंट अपडेट है, अगर किसी के पास पुराना नोट्स है, नवंबर दिसंबर का एग्जाम है, वो पुराना रेट फॉलो करे, और जो नया मतलब जून 2022 ऑनवर्ड्स एग्जाम देगा उनके लिए ये सब रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके सर ये सब मैंने बता दिया था। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, कि रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। सर थोड़ा सा बस रिकॉल चल रहा है, आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था। अच्छा उसके साथ साथ जो मोस्ट
मतलब इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ था वो था कॉम्पोजिशन लेवी. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इन रियल लाइफ एज वेल एज एग्जाम. ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्लास में आप लोगों से बहुत चर्चा हुआ था कॉम्पोजिशंस पे, खत्म नहीं हो पाया था, आज खत्म करना है. ठीक है, काफ़ी डिस्कशंस किए थे, सबसेक्शन 1 में क्या है, सबसेक्शन 2 में क्या है, एवरीथिंग. मैं बहुत सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया था और कुछ बाकी रह गया था, तो जो बाकी रह गया वो मैं आज आपसे कवर करूँगा. पहले तो पूरा स्कीम समझाया था आप लोगों को, ये पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है. ठीक है, बेसिकली मैं आपको अभी बोला ना नंदिनी कि दिस इज स्पेशली फॉर मतलब जो लार्ज मतलब जो मेन टैक्स नहीं दे सकता, बड़ा टैक्स नहीं दे सकता, लाइक जो टैक्स रेट है जैसे मानो कि वह 5%, 10%, 18%, 28%, उनके लिए एक स्मॉल लेवल टैक्स. ठीक है, अकाउंट्स भी मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है. कॉम्पोजिशन लेवी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहला बात वॉलेंटरी है, मतलब अगर ना भी दो तो भी चलेगा. लेकिन मुश्किल क्या हो जाता है कि अगर आप GST रजिस्टर्ड बिजनेसमैन ना बनते हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली वाइल गेटिंग लोन मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा GST रजिस्ट्रेशन रहने से आपको बिजनेस में सुविधाएं मिलते हैं. ऐसे मतलब ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में इट्स अ वॉलेंटरी स्कीम, बट दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल ऑल्सो. सो कॉम्पोजिशन लेवी मेनली वो लोग करते हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले. सर्विस के केस में सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विस. ठीक है, सर्विस के केस में रेस्टोरेंट सर्विस को यहाँ पर कॉम्पोजिशन के अंदर लाया गया. इसके अलावा आपको स्मॉल ट्रेडर्स जैसे कि सैलून वगैरह चलाते हैं, ऐसे भी कुछ दिखेगा जो स्मॉल ट्रेडर्स के अंदर काउंट हो जाता है. सो ये कॉम्पोजिशन लेवी का क्या है, एक वॉलेंटरी है, ऑप्शनल है. प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें. ठीक है, अच्छा लिमिटेशंस के बारे में बात भी हुआ था कि यहाँ पर एक पूरा डिटेल्स है. अच्छा, और एक चीज़, कॉम्पोजिशंस में वो आते हैं जिसको ईजी कॉम्प्लायंस चाहिए, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस का मतलब नहीं रहेगा कि मतलब रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करना, रेगुलर रिटर्न फाइल करना एवरी क्वार्टर एवरी मंथ, इट्स नॉट लाइक दैट. सिंपल है कि सिंपल एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है और क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस का सिस्टम है. टैक्स भरो क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न भरो एक बार. ठीक है, ये होता है कॉम्पोजिशन वाले. बट जो रेगुलर GST टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनको एवरी मंथ टैक्स पे करना पड़ता है, एवरी मंथ रिटर्न फाइल करना पड़ता है. तो ईजी कॉम्प्लायंस, कंप्लायंस मतलब क्या, लीगल मैटर को सबमिट करना, दैट इज सिंपल इन सिंपल कंप्लायंस. जिसके लिए CS को बड़ा काम करना पड़ता है, CS कंपनी सेक्रेटरीज जो बेसिकली एज ए कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी में बहुत ज्यादा रोल प्लेइंग है उनका. बट प्रैक्टिस में चार्टर्ड हो CS हो या CMA, सबका मतलब एक अपना जगह है. ठीक है, नॉलेज टू नॉलेज फर्क करता है. सो ये है कॉम्पोजिशन लेवी का बेसिक कॉन्सेप्ट. तो फिर कौन आ जाता है कॉम्पोजिशन में, स्मॉल ट्रेडर्स, रेस्टोरेंट्स वाले सर्विस के केस में, मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, जो रेगुलर टैक्स पेयर्स नहीं बनना चाहता, जिनका टर्नओवर लेवल छोटा मोटा है, वो कॉम्पोजिशन के अंदर काम करते हैं. सिंपल एनुअल रिटर्न है, क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस है और ईजी कंप्लायंस है. सर लिमिटेशन के बारे में क्या बताओगे? सर लिमिटेशन कुछ ऐसा है कि मतलब लिमिटेशन मतलब लिमिट, लिमिटेशन नहीं लिमिट, मतलब क्या लिमिट है कॉम्पोजिशन का, इसका एक पूरा सिस्टम है. ये देखो, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी होते हैं. अगर आपका टर्नओवर का लिमिट क्या है कि टर्नओवर लिमिट और कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर 75 लाख का टर्नओवर है आपका और अगर आप अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के हो, तो फिर 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो नो प्रॉब्लम. बट 75 लाख क्रॉस, मतलब 75 लाख टर्नओवर है तो कॉम्पोजिशन में आ सकते हो, क्रॉस कर जाए तो नहीं होगा. बाकी स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है, 1.5 करोड़ के अंदर हो तो कॉम्पोजिशन कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज नहीं. कुछ एक्सेप्शंस पॉइंट भी है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए 50 लाख का लिमिट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए 50 लाख का लिमिट है. वो भी मैं समझाया था प्रीवियस क्लास में, इवन विथ एग्जाम्पल समझाया था आप लोगों को. ये देखो, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 50 लाख, इसका भी पूरा केस समझाया था. ठीक है, जैसे कि टेलर सर्विस, सैलून सर्विस, ऐसे भी कुछ सर्विस को यहाँ पर लिया गया था. तो लेकिन टैक्स रेट उनका 6% लाया गया था, ऐसा एक केस था. इसका पूरा एग्जाम्पल आप लोगों को करवाया था, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं है तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स एक बार गो थ्रू करो. इसमें ये पृथ्वीराज का एक एग्जाम्पल था, सू डीलर था पृथ्वीराज, इनका एग्जाम्पल डिस्कस किया था आप लोगों से. महाराष्ट्र में और गोवा में इंटरेस्टेड अप्लाई करता है, ऐसा एक एग्जाम्पल था. इसके साथ साथ ये बिल्लू बर्बर वाला एग्जाम्पल था, हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बर्बर. ठीक है,
इसका भी दिल्ली हरियाणा में इनका इंटरेस्ट रेट सप्लाई था, इनका क्या केस बना था कॉम्पोजिशंस के, ये देखा था। अच्छा, इनके अलावा एक और क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, बिकॉज ये पूरा टर्नओवर का खेल है, कॉम्पोजिशंस में रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है, मतलब कौन कॉम्पोजिशंस में रहेगा और कौन कॉम्पोजिशंस में नहीं रहेगा, इसका पूरा खेल डिपेंड करता है टर्नओवर पे। जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है उनको शायद ऐसा फीलिंग हो रहा है कि सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं बोला ना, अगर समझना है तो प्रीवियस लेक्चर्स थोड़ा सुनना पड़ेगा, अगर बाई चांस आप मिस किए हो प्रीवियस लेक्चर्स। ये तो मैं बस आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में हम लोग क्या क्या नहीं बात किए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर कहा गया है, जिसको एक्सप्लेनेशन किया गया है 1 to सेक्शन 10 के अंदर, जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं, इसको भी मैंने लास्ट वीक समझाया था कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या सिस्टम है। अच्छा, इसको छोड़ के रेट ऑफ टैक्स ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, ठीक है, कि क्या क्या रेट कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है। एक रहता है सर ½% का, मतलब ½% CGST, ½% SGST, मतलब ½+½ 1% एक्चुअली, ठीक है। और एक होता है 2.5% का कॉम्पोजिशन में, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 2 and 2 मतलब 2.5 मतलब 2.5% + 2.5% मतलब CG + SG या फिर IG होगा तो 5, ठीक है, इंटीग्रेटेड होगा तो 5% और CGST SGST होगा तो नॉर्मली 2 and 2.5 होता है। लेकिन हाँ एक बात है कि यहाँ पर इंटरस्टेट करने से आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकता। तो इन सिंपल इसमें CGST SGST मिला के होता है, जिसमें आपको 2.5 and मतलब बेसिकली 1/2% का रेट है, दैट इज 1/2+1 एप्लीकेबल हो जाता है, 2.5 and 2.5 मतलब 5% का रेस्टोरेंट के केस में, ओके, और 1/2% का दूसरा एक जो एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में। इसका भी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल समझाया था, इलस्ट्रेशन 1, ये तोलाराम का एक एग्जाम्पल था। अरे सब याद आ रहा है क्या या भूल चुके हो? अरे थोड़ा सा याद है कि नहीं है, तोलाराम वगैरह सब याद आ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके बताया था, इतना होगा उतना होगा, है ना किसी? तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर, सर थैंक यू सर। सिमिलरली ये एक था भोलाराम वाला, ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, भोलाराम का। भोलाराम का पंजाब में शोरूम था, ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। भूल गए तो फिर से देखो सर। और एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था सर्विस के ऊपर बेस करके, दैट इज पद्मावती का, सैलून स्टाइलिस्ट पद्मावती का, ये वाला भी सॉल्व किया था, ये सर्विस का था। ओके समझ में आ गया सर, दीज आर ऑल लास्ट क्लास डिस्कशन, ठीक है, इफ बाई चांस मिस तो प्लीज गो थ्रू कर लेना एक बार। लिंक नहीं है तो मिलता नहीं है तो मेरे को बताना, मैं लिंक शेयर कर लूँगा। आज क्या बताएंगे सर? आज बताएंगे आपको टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 2 सबसेक्शन 112, रीड विद एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 10। सर ये टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, ये एक चीज़ है क्या सर? एक्चुअली क्या है सर, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 112 ऑफ द CGST Act 2017, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, मतलब बेसिकली ये जो टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, ये तो आप लोग जानते हो ना सर, कि इसमें मेनली 3 तरह का, मतलब एक होता है आपका जो इंट्रा स्टेट लेवल चलता है ना, इंट्रा स्टेट लेवल में यू ऑल नो, सर जैम का जरूरत नहीं है, इंट्रा स्टेट लेवल में आप लोगों को पता है ना, एक होता है CGST और एक होता है SGST। अगर स्टेट है तो SGST, अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो UTGST, ठीक है, और जब इंटर स्टेट हो जाए मतलब जब स्टेट बदल जाए तब क्या आ जाता है सर? IGST। दीज आर बेसिकली डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्टरी लेवल। सो अभी ये कितना तरह का GST चार्ज होता है इसको मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 112 ऑफ द CGST Act 2017, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज मतलब जो परचेज कर रहा है, ठीक है, और आउटवर्ड सप्लाई बेसिकली जो बाहर जा रहा है, सेल कर रहा है, सिंपल है। तो जो इनवर्ड करता है उनको छोड़ के, विच टैक्स पेबल बाई ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब अगर इनवर्ड सप्लाई में कुछ टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है रिसिपियंट के हिसाब से, उसको माइनस करना पड़ता है टर्नओवर में। सपोज आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है,
100 करोड़ का टर्नओवर है, तो जीएसटी क्या करता है कि आपके पास से कितना जीएसटी रिसीव हो रहा है, जितना गुड्स रिसीव हो रहा है, सारा का चीज आपको देखना पड़ता है। तो क्या बता रहे हैं सर, जो इनवर्ड सप्लाईज होता है सर, इनवर्ड सप्लाई मतलब जो आप परचेस कर रहे हो और आप ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो आरसीएम के बेसिस पे, तो उसको भी कई बार टर्नओवर में गलती से काउंट हो जाता है। बट क्या बोल रहे हैं कि टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाईज को एक्सक्लूड करना चाहिए, ओनली जो आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ उसी को काउंट करना। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई नॉर्मल बात है एकदम, बड़ा सिंपल है कि भाई जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, जो मेरा, मैं भले ही मैं आरसीएम पे कर रहा हूँ, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब मैंने रिसीव किया और मैंने ही गवर्नमेंट के घर में जमा किया, मतलब नॉर्मली रिसिपिएंट को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये सब प्रीवियस लेक्चर्स का बात है ना। नॉर्मली टैक्स जमा कौन करता है? सप्लायर। बट अगर रिसिपिएंट को करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आरसीए, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसको टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं करना चाहिए। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय अ टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। सर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे? यस, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि बाप रे बाप क्या क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो कि जब भी आप टर्नओवर कैलकुलेट करो ना, मतलब कोई कंपनी या बिजनेस कितना टर्नओवर कर रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो वाइल कंप्यूटिंग द टर्नओवर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो क्या क्या आप इंक्लूड करोगे और क्या क्या आप एक्सक्लूड करोगे। डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। जीएसटी एक प्रोविजन बेस्ड पेपर है सर, ठीक है, इसमें जो भी कैलकुलेशंस है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर, मतलब एवरीथिंग इज ऑन प्रोविजंस। सो इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि सर क्या क्या बोल रहे हैं दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। बिकॉज अगर आप प्रोविजन को समझोगे, एग्जाम्पल को पढ़ोगे, आप देखना धीरे धीरे आप समझ जाओगे, बिकॉज दीज आर ऑल डे टू डे लाइफ। अच्छा, तो जब भी टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट। मतलब आप जब टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, सपोज कोई बिजनेस, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल, अगर कोई बिजनेस 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है या फिर कोई बिजनेस अगर 75 लाख का टर्नओवर कर रहा है, मैं थोड़ा कम करके ले रहा हूँ, कॉम्पोजिशन का बात है ना सर, 75 लाख का टर्नओवर कर रहा है, तो जब भी 75 लाख हो या 1.5 करोड़ हो या उससे कम हो, वट एवर, टर्नओवर या सेल काउंट करने के टाइम पे आप टैक्सेबल सप्लाई जितना करोगे उसको तो लेना ही है, साथ में अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का भी सप्लाई कर रहे हो उसे भी आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज तो बहुत सारा गुड्स ऐसे होते हैं ना जिसको एग्जेम्प्ट के अंदर लिया जाता है। डोंट वरी, एक चैप्टर आएगा एग्जेम्प्ट ऑफ सप्लाईज का, जिसमें आपको पूरा एग्जेम्प्ट ऑफ सप्लाईज का लिस्ट बताया जाएगा, बड़ा चैप्टर है, समझ में आएगा, इसके बाद ही शायद करेंगे। देखो सर, तो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी व्हाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी ऑफ ए सप्लायर अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर द एग्जेम्प्ट सप्लाईज विल नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। एक्सक्लूड में क्या आता है सर, व्हाट अबाउट एक्सक्लूड? सर एक्सक्लूड में किसी भी तरह का टैक्स नहीं आता है, सिंपल बात है, मतलब जब आप टर्नओवर काउंट करोगे तो उसमें टैक्स को मत लेना, जैसे कि सीजीएसटी एक टैक्स है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डोंट टेक इन टर्नओवर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या किसी भी तरह का सेस। सेस क्या होता है? इट्स अ एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, इट्स अ एक्स्ट्रा टैक्स, बहुत केस में चार्ज किया जाता है सर। वैल्यू, अच्छा और क्या नहीं लेना चाहिए, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, मतलब कुछ सप्लाई आप इनवर्ड ले रहे हो, इनवर्ड सप्लाईज मतलब आप बेसिकली परचेज कर रहे हो या फिर आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, एज ए रिसिपिएंट आपको बहुत केस में गुड्स रिसीव करना पड़ता है, तो जो भी गुड्स का वैल्यू, वैल्यूएबल गुड्स आप रिसीव करते हो और आप टैक्स भी पे कर रहे हो, ऑन व्हिच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब बेसिकली रिवर्स चार्ज क्या है, रिसिपिएंट को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं होता, दिस इज इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल सिचुएशन रिसिपिएंट को कभी भी जीएसटी नहीं पे नहीं करना चाहिए, बट बहुत केसेस ऐसा है जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप लोग जानते हो, लंबा लिस्ट पड़े हैं, स्पेशल डिस्कशन लाइक जीटीए, स्पेशल डिस्कशन लाइक रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इवन रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी आप लोगों ने देखा, ठीक है, बहुत ऐसा केसेस आता है जहां पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है,
नॉर्मली रिसिपियंट टैक्स नहीं पे नहीं करता, तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज उसको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। साथ में वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब सुनो ध्यान से, अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे क्लैरिटी आएगा, बट बिफोर दैट बार बार बोल रहा हूँ प्लीज पेशेंस के साथ प्रोविजन को समझो। सर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी सुनो। वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ऐसे फाइनेंशियल ईयर क्या क्या है सर हमारे देश में? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, है ना? तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे अप्रैल का पहला दिन 1/4 ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यूएबल सप्लाईज करेगा ना वो नहीं आएगा। मतलब अप्रैल से लेके, मानो कोई बिजनेसमैन अपने आप को रजिस्टर कर रहा है 31 जुलाई को, आपको बात समझ में आया मेरा? कोई बिजनेसमैन रजिस्टर कर रहा है 31 जुलाई को, तो अगर कोई 31 जुलाई को रजिस्टर कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर कोई बिजनेसमैन 31 जुलाई को रजिस्टर कर रहा है तो फर्स्ट अप्रैल से लेके जुलाई का कितना टाइम पीरियड है सर? बोलोगे सर अप्रैल में जून जुलाई, कितना दिन होता है, कितना महीना? 4 महीना। ये जो 4 महीना है ना, इस 4 महीने में उसने जो भी सप्लाई करेगा उसको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस डेट में आके वो क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा। अभी तक वो रजिस्टर हुआ ही नहीं है, हो सकता है वो फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो सकता है उस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर के अंदर वो आ जाए, बट फिर भी क्योंकि वो रजिस्टर नहीं किया ना, तो उसको टर्नओवर के अंदर सेल के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सर ये बात आपको समझ में आया? अरे क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ ना, जो भी है बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा फिर एग्जांपल। ओके, और क्या एक्सक्लूड होता है सर? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। अगर आप किसी भी तरह का ऐसा सर्विस देते हो, जैसे कि किसी को डिपॉजिट देना, डिपॉजिट लेना, लोन देना, एडवांस करना, एंड सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मतलब आपका कंसिडरेशन क्या है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट लेना या फिर डिस्काउंट के थ्रू से कंसिडरेशन रिसीव करना, इस तरह का कुछ काम है तो उसका एग्जेम्पशन को भी, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस इस तरह का अगर कुछ है तो उसे भी एक्सक्लूड करना चाहिए। ओके चलो, थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया प्रोविजन का। अब क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी और मिलेगा कि जीएसटी में क्या होता है। ध्यान से सुनना सर, एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर का नाम है चंपक, ठीक है, अच्छा नाम है सर चंपक। चंपक एक फोटोग्राफर है, हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विस इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। ओके, जो भी ईयर है उसका पहला अप्रैल में स्टार्ट किया। हिज टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर्स टिल डिसम्बर इज एज फॉलोज। अभी उसका फोटोग्राफी सर्विस चालू हुआ, ठीक है, उसका टर्नओवर दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक कुछ ऐसा है। अप्रैल से जून का टर्नओवर है 20 लाख, जुलाई से सितंबर का टर्नओवर है, एक एक क्वार्टर देखो, हाँ, दिस इज अ फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज अ सेकेंड क्वार्टर एंड दिस इज अ थर्ड क्वार्टर। समझ रहे हो सर आप लोग? हाँ, फाइनल क्वार्टर यहाँ पर है नहीं। अप्रैल टू जून में 20 लाख का टर्नओवर किया, जुलाई से सितंबर में 30 लाख का टर्नओवर किया, अक्टूबर से दिसंबर में 20 लाख का टर्नओवर किया। केस कहाँ जा रहा है? इन द गिवन केस, सिंस चंपक हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विस इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, उसका बिजनेस अभी चालू हुआ, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा सर? इसका बिजनेस अभी चालू हुआ है, अनिल, जिसका बिजनेस अभी चालू हुआ है उसका फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना रहेगा उसका टर्नओवर? क्या रे नील, बता, नील होगा ना, किसी ने नील को पूछा, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? मुझे किसी का आवाज प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ? यस सर। ओके सर, तो जिसने बिजनेस अभी स्टार्ट किया उसका प्रीवियस ईयर में क्या होगा सर? नील, है ना। कंसिक्वेंटली इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस। करेंट ईयर में वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। He becomes eligible for registration when he segregate turnover exit 20 lakh.
ठीक है, 20 लाख का तो कम से कम होना पड़ता है तभी आप रजिस्टर कर सकते हो. तो ही बिकम्स एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख. व्हाइल रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी ही ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस. नाउ अब सवाल ये उठता है कि जब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करेगा तो ऑन दैट मोमेंट उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा. फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने के लिए उसका टर्नओवर का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा सर. सो फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर ऑफ द स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, टर्नओवर ऑफ अप्रैल टू जून कितना? फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल टू जून का टर्नओवर है 20 लाख, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. ये काउंट में नहीं आएगा, ये जो अप्रैल टू जून का जो टर्नओवर है ना सर, इसको हिसाब में नहीं ले सकते. क्यों बोलो तो? कोई मुझे बता सकते हो कि अप्रैल टू जून का जो हिसाब है ये टर्नओवर में क्यों नहीं आएगा? Anyone shall be excluded as the value of supplies from the first day of April of his financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act are to be excluded for this purpose. जब हम लोग स्टेट टर्नओवर या यूनियन टेरिटरी टर्नओवर का हिसाब लगाएंगे, अप्रैल तो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है. अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ही बात करूं तो फर्स्ट अप्रैल 21 से लेके जून क्वार्टर का जो एरिया है, दैट इज फर्स्ट जून, इस क्वार्टर का जो स्टार्टिंग है वहां पर वो अपने आप को रजिस्टर कर रहा है. तो अप्रैल से जून क्वार्टर का जो एरिया है इसमें वो जो भी वैल्यूएशन का मतलब टर्नओवर करेगा उसको आप स्टेट टर्नओवर का जो हिसाब है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ पीरियड कि उसने उसका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके रजिस्टर करने तक का टाइम है, दैट इज एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज. ऐसे आप लोगों को अभी मैं इसी पॉइंट समझा रहा था, अभी जस्ट मैं आपको वही पॉइंट समझा रहा था कि वैल्यू ऑफ supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable to the registration under this act, ये जो time period है इस time period में businessman जो value of supply करेगा वो value of supply turnover से exclude रहेगा. तो I hope कि आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, मैं इतना ज़रूर आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है. थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा, बहुत नहीं. अभी देखो थोड़ा सा क्रिटिकल एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम ईजी. इट्स जस्ट टाइम टाइम का मैटर है. क्या होता है देखो, अच्छा फर्स्ट क्वार्टर में तो उसने 20 लाख कमाया, सेकेंड क्वार्टर में उसने 30 लाख कमाया, है ना सर? क्या मैं सही बोला सर? क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में, सेकेंड क्वार्टर दैट इज जुलाई टू सितंबर में उसका टर्नओवर कितना है? 30 लाख. तो सेकेंड क्वार्टर में 30 लाख एंड लास्ट क्वार्टर में 20 लाख कमाया. अब देखना ये होगा कि सेकेंड क्वार्टर में जब वो 30 लाख इनकम कर रहा है तो उस पर वो कितना जीएसटी देगा. अच्छा उसका कॉम्पोजिशन स्कीम लागू है, ठीक है. तो ऑन नेक्स्ट 30 लाख टर्नओवर ऑफ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ही शैल पे टैक्स एट द रेट 6%, दैट इज 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी. ये एक कंसेशनल जीएसटी रेट है जो एक तरह का मतलब आप बोल सकते हो कॉम्पोजिशन लेवी में मिलता है, ठीक है, जो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में भी समझाया था. तो ये 6% का रेट है जो नॉर्मली रेस्टोरेंट सर्विस को 5%, इसके अलावा सैलून वाले को इस तरह को 6% का एक रेट दिया गया है, कंसेशनल एक रेट है. इट्स लाइक कॉम्पोजिशन लेवी टाइप, स्मॉल ट्रेडर बिजनेसमैन टाइप में. तो 30 लाख का जो टर्नओवर है इस पे इसका टैक्स कितना हो गया गवर्नमेंट के पास? 6%, जिसमें 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी उससे चार्ज किया जाएगा. तो 30 लाख का सीजीएसटी 90,000 होता है एंड 30 लाख का एसजीएसटी 90,000 होता है. बट नाउ बाई द एंड ऑफ जुलाई एंड सेप्टेम्बर क्वार्टर हिज एग्रीगेट टर्न ओवर रिचेस 50 लाख, है ना? उसका जो जुलाई से सेप्टेम्बर क्वार्टर का जो टाइम है इसमें उसका एग्रीगेट टर्न ओवर क्या हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा ना सर? हेलो सर, स्टार्टिंग क्वार्टर में तो 20 लाख ऑलरेडी कमा लिया, तो जुलाई सेप्टेम्बर जैसे ही एंड होगा उसका टोटल टर्न ओवर का एग्रीगेट टर्न ओवर 50 लाख हो जाएगा, 20+30 करके, है ना? तो ऐसे ही अगर 50 लाख तो लिमिटेशन है इस तरह का स्पेशल सर्विस के लिए, 50 लाख क्रॉस कर रहा है, तो कंसिक्वेंटली हिज ऑप्शन टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस शैल लैप्स बाय द एंड ऑफ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर एंड देयर आफ्टर ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ 18%. दस टैक्स पेबल फॉर अक्टूबर डिसंबर क्वार्टर इज 20 लाख का 18%, दैट इज 3,60,000. कुछ समझ में आया सर? चंपक की कहानी, चंपक एक ही साल में एक बार उस पर एग्जेम्पशन हो गया बिकॉज स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट अप्रैल से लेके पहला 20 लाख, पहला 20 लाख का क्या कहानी है? फर्स्ट 20 लाख का कहानी कुछ ऐसा है
क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके रजिस्ट्रेशन डेट तक, दैट इज अप्रैल टू जून का जो एरिया है, 20 लाख मिनिमम रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया फुलफिल जब तक नहीं करता, उसमें जितना वैल्यूएशन का वो टर्नओवर करेगा, वो एक्सक्लूड होता है टर्नओवर से, ठीक है? इसीलिए उस पर कुछ हिसाब नहीं किया गया। बट सेकेंड क्वार्टर, जैसे जुलाई टू सेप्टेम्बर का जो क्वार्टर है, इसमें उसका टर्नओवर हो रहा है 30 लाख, तो इस पर वो 6% का टैक्स भर रहा है। बट जैसे ही अप्रैल टू जून या जुलाई टू सितंबर होता है, तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर उसका 50 लाख क्रॉस करता है, और जैसे ही टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर जाता है, तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में उनको जो बेनिफिट मिलता था, ठीक है? अच्छा, ये 6% मतलब 3 एंड 3 करके, ये 3 3 कहाँ से आया आप लोग जानते हो, और ये 6% भी कहाँ से आया ये भी आप लोग जानते हो। कैसे? मैं प्रीवियस क्लास में ना सिमिलर काइंड ऑफ आप लोगों को प्रोविजन समझाया था, अगर बाई चांस भूल गए मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये बिल्लू का केस समझाया था, ठीक है? और उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं इसी जगह में समझाया था, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, ठीक है? इसमें आप लोगों को पूरा समझाया गया था कि कब कब की कौन कौन क्या क्या कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को पूरा समझाया गया था, तो आई होप कि आप लोगों को याद है, अगर बाई चांस भूल गए तो बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को फिर से कुछ देखना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है? ऐसे भूलना नहीं चाहिए, फिर भी इतना सारा सब्जेक्ट्स है, आप लोग कॉलेज का भी एग्जाम वगैरह चल रहा है बहुत लोगों का, आई नो भूल सकते हो, तो प्लीज़ एक बार रेगुलरिटी कर लेना, ठीक है? रेगुलराइज कर लेना फिर से देख के। अच्छा, तो फिर बात आ जाता है सर एग्रीगेट टर्नओवर का, तो फिर ये किसका केस था? ये पूरा केस चल रहा है आपका चंपक का, ठीक है? तो चंपक का पहला 20 लाख इंक्लूड नहीं कर सकते टर्नओवर में, सेकेंड 20 30 लाख पे कंसेशनल रेट में 6% दे रहा है, 3% SGST 3% CGST, लेकिन थर्ड क्वार्टर में जो जैसे ही उसका इनकम जा रहा है ना सर, बिकॉज वो 50 लाख क्रॉस कर गया, तो 50 लाख क्रॉस करने के बाद और उसको स्पेशल रेट नहीं मिलेगा, उसको अभी रेगुलर रेट में आ जाना पड़ेगा नॉर्मल रेट में, तो 18% का GST तो हो गया ना 3,60,000, ठीक है सर? चंपक का कहानी क्लियर है? चंपक का यस कहानी सर, क्लियर ना? ओके सर, बस इस तरह से आपको जीएसटी पढ़ना चाहिए। जीएसटी में कोई शॉर्टकट मत करना सर, थोड़ा पेचीदा है ये लॉ कंपेयर टू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इतना पेचीदा नहीं, जीएसटी लॉ थोड़ा पेचीदा है, बिकॉज स्पेशली किसको कब जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना है, किसको कब जीएसटी से एक्सक्लूड करना है, तो थोड़ा सा आपको कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज फील हो सकता है। मैं तो नहीं मानता कि कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ नहीं रहोगे ना, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। अच्छा, नाउ हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कहा है, एंड सबसेक्शन 2A में कहा है, एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 2A, दैट इज हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है? कॉम्पोजिशन का डिस्कशन मैं लास्ट क्लास से कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में तो कॉम्पोजिशंस का एक एक बात किया और एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है? यहाँ पर आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं आपको कॉम्पोजिशंस का जो बाकी पार्ट है उसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको टर्नओवर के बारे में कुछ स्पेशल एग्जाम्पल बताया, सिमिलरली अभी मैं आपको एक और एक एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ सर, कि हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन कौन कॉम्पोजिशंस लेवी में या कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, किस तरह का बिजनेसमैन है जो कॉम्पोजिशंस पे नहीं आ सकता, जिसके बारे में कहाँ कहा गया है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एंड एज वेल एज सेक्शन 2 10 सबसेक्शन 2A में। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, और इधर बोला है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेस, ठीक है? तो पहले गुड्स देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है हा? सप्लायर ऑफ एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लिवाबल टू टैक्स, मतलब जिस पर टैक्स ही नहीं लगता, कोई ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, आप समझ रहे हो सर, आप कुछ ऐसे बिजनेस का मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगता, ठीक है? विच आर नॉट लिवाबल टू टैक्स। सिमिलरली सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लिवाबल टू टैक्स, सेम बात है,
उसमें वो कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकता। मतलब अगर आपका गुड्स में टैक्स नहीं लगता तो आपको कॉम्पोजिशन में आने का जरूरत ही क्या है। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, आप समझ रहे हो सर, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज मतलब आप वेस्ट बंगाल में बिजनेस करते हो, बात समझना सर, आप कहाँ का डीलर हो, वेस्ट बंगाल का। अगर आप अपना सर्विस या अपना गुड्स वेस्ट बंगाल के बाहर बिजनेस करना चाहते हो तो इन दैट केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, क्योंकि आपका गुड्स आउटवर्ड सप्लाई में जा रहा है। सर इसमें एक बात याद करा दूं आपको कि अगर कोई आउटर स्टेट से गुड्स रिसीव करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गुड्स या सर्विस बाहर से रिसीव करने से प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई करने से प्रॉब्लम है। सपोज यू आर इन कोलकाता एंड आपका जो गुड्स है या सर्विस है आप उड़ीसा में देना चाहते हो या पटना में देना चाहते हो या फिर आप आसाम में जाना चाहते हो, इधर मणिपुर नागालैंड में जाना चाहते हो, अरुणाचल जाना चाहते हो, ठीक है, मिजोरम जाना चाहते हो या फिर सिक्किम जाना चाहते हो या फिर लखनऊ जाना चाहते हो, जहाँ मन है जा सकते हो, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाईज, समझ रहे सर, दीज आर ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। तो अगर इंटर स्टेट, इसी को बोलते हैं सर इंटर स्टेट, हाँ, जब स्टेट बदल जाता है तो आप कॉम्पोजिशंस में नहीं रह सकते, समझे सर। हेलो, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेम बात, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में जगह नहीं मिल सकता, कॉम्पोजिशन का सुविधा उनको नहीं मिल सकता, कॉम्पोजिशन का बेनिफिट मिलता है ना छोटा मोटा बिजनेसमैन को, वो बेनिफिट वो नहीं ले सकता। और क्या है, पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यस, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज मतलब बना के बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हो लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन, ठीक है, बिग बास्केट टाइप्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एंड, अच्छा और एक बात, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटते हो, क्या काटते हो सर, टीडीएस, ऐसे सेक्शन 52 के अंदर बोला गया है कि अगर आप टीडीएस काटने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, मतलब थोड़ा लार्ज लेवल में ऐसे चलता है सर, ठीक है, उनके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम कभी अप्लाई नहीं हो सकता। नॉर्मल ई कॉमर्स ऑपरेटर कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं, बट अगर आप टीडीएस काटने वाले हो मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करते हो जो सेक्शन 65 52 के अंदर, और टीडीएस क्या होता है आप लोग जानते हो, ये तो इनकम टैक्स के अंदर भी टीडीएस के बारे में समझाया जाता है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब आप किसी को कुछ भी पेमेंट देने के पहले टीडीएस काट लेते हो और गवर्नमेंट के घर में जमा करते हो, ठीक है, ऐसे केसेस में आप भी कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते। अच्छा, और स्पेशल केसेस हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हो, पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हो, टोबैको मैन्युफैक्चर करते हो, एरेटेड वाटर्स मैन्युफैक्चर करते हो लाइक सोडा वाटर टाइप्स, ठीक है, इस तरह का चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या है, आइसक्रीम है, पान मसाला है, टोबैको है, एरेटेड वाटर्स है, और सप्लायर ऑफ नोटिफाइड सर्विस, अगर किसी भी तरह का नोटिफाइड सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताते हैं कि भाई आप कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते तो आपको मौका नहीं मिलेगा, अगर गवर्नमेंट अपडेट देता है तो। सप्लायर हु इज आइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट, कैजुअल मतलब नॉर्मली आप इंडिया में बिजनेस नहीं करते, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो, कहीं कभार इंडिया में आ जाते हो और बिजनेस करना चालू कर देते हो, या फिर आप रेगुलर बिजनेसमैन नहीं हो, कैजुअल हो, 10 साल में कभी एक बार मन कर दिया बिजनेस करने का, ऐसे लोगों को कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम का मौका नहीं मिल सकता, ठीक है। सिमिलरली सर्विस के केस में भी सप्लायर हु इज आइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो उसको भी कभी कॉम्पोजिशन स्कीम का मौका नहीं मिल सकता। सप्लायर ऑफ ए सर्विस सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 रेफर्ड इन डिस्कशन बिलो, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका आप लोगों के साथ, ठीक है। सेक्शन 52 यू ऑल नो, नॉर्मली ये टीडीएस का केस जो है थोड़ा इनकम टैक्स में बताऊंगा और फाइनल लेवल में इसका काफी डिस्कशन होता है, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज, मतलब आपको मैं जानकारी रख लो आप लोग कि कोई सप्लायर अगर कोलकाता से मतलब वेस्ट बंगाल से, स्टेट का बात है नॉट जस्ट कोलकाता, इट्स अबाउट वेस्ट बंगाल, अगर आप वेस्ट बंगाल से गुड्स का आउटवर्ड सप्लाई करते हो, से फॉर एग्जाम्पल लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल नागपुर मतलब महाराष्ट्र, से फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना मतलब तेलंगाना, से फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल चेन्नई मतलब तमिलनाडु, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते, बट लखनऊ से वेस्ट बंगाल में रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, नागपुर से वेस्ट बंगाल में रिसीव करने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
मतलब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स में एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई में कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है सर? हेलो, थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा सर कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सर डिटेल्स बहुत है इसलिए मैं बहुत सारा चीज़ एक साथ बोलता हूँ, बट बीच बीच में थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। बोलिए। हेलो, पॉइंट क्लियर हो रहा हाँ है? सर, ओके नंदिनी, दीक्षा, मौसमी, नील, ज्योति, रोशनी, बताओ सर। तथा हाँ सर, है दादा। ओके विषय शिवम, क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। सर ये क्या होता है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ऑल्सो एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स, सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, रीड विद रूल सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्या है ये फंडामेंटली? फंडामेंटली क्या है सर? फंडामेंटली कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड ओनली वन सर्विस नेमली, ठीक है, नॉर्मली गुड्स के साथ मिलता है और एक सर्विस के साथ नॉर्मली मिलता है, ये फंडामेंटली। बट कई बार थोड़ा एक्सेप्शंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि सैलून, जैसे कि फोटोग्राफी, आप लोगों ने देखा, ठीक है। हाउएवर देयर आर केसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, दो द परसेंटेज ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, देयर मे ऑल्सो बी केसेस वेर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाई ऑफ ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर सर्विसेज। मतलब रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के काम के साथ साथ और भी दूसरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि विद द व्यू टू एनेबल सच टैक्स पेयर्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 परमिट्स मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब आप गुड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस, थोड़ा बहुत आप उसके साथ साथ कर सकते हो एज द केस में भी। ये स्पेसिफाइड वैल्यू इज वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, मतलब गुड्स के साथ साथ कितना सर्विस आप दे सकते हो और फिर भी आप एक साथ दोनों दे रहे हो फिर भी आपको कॉम्पोजिशन को मौका मिलेगा। सर खेल कुछ ऐसा है, 10% ऑफ द टर्न ओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। शायद पूरा क्लियर नहीं हुआ बात। मार्जिनल मार्जिनल जो बेनिफिट का बात अभी कर रहे हैं सर, ठीक है, दैट इज अ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्या है पूरा समझ में नहीं आया। एक डेटा भी आपको शेयर किया गया, दैट इज 10% ऑफ टर्न ओवर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से समझाता हूँ आपको। ध्यान से देखना, एक बंदा है, बंदे का नाम है सर, बंदे का नाम क्या है, राम सेवक। क्या है नाम? राम सेवक, ठीक है। राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका गुड्स का धंधा है, ठीक है। हिज टर्नओवर इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 60 लाख, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 60 लाख का टर्नओवर हुआ था। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, है ना सर? कॉमन बात है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है तो 75 लाख है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख। कौन कौन आता है लिस्ट आपको वो पता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हैं, उसके साथ साथ आपको हिमाचल जैसे भी दिखेगा, ठीक है, कुल मिला के 6 स्टेट्स ऐसा हैं जो स्पेशल कैटेगरीज के अंदर आता है, कश्मीर और इसको छोड़ के, ठीक है, आसाम को छोड़ के। तो इस तरह का पूरा लिस्ट आपको वहां पर देखने को मिल गया, पहले भी प्रीवियस क्लास में डिटेल्स में बोला है आपको, लेकिन ध्यान से सुनना बात को कि उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है 60 लाख का, जो 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो आराम से कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है फॉर गुड्स इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। फर्दर इन करेंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस अप टू ए वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग, मतलब गुड्स के साथ साथ वो रेस्टोरेंट सर्विस भी दे सकता है बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ 60 लाख, मतलब 6 लाख का वैल्यू तक वो रेस्टोरेंट सर्विस दे सकता है। सॉरी, रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के दूसरा कोई सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के दूसरा कोई सर्विस गुड्स के साथ साथ एनी काइंड ऑफ सर्विस दे सकता है, सर्विस जो अलग चीजें हैं गुड्स नहीं है। 60 लाख का 10% या फिर 5 लाख, इनमें से जो ज्यादा होगा,
तो ऑब्वियसली 5 लाख और 6 लाख में ज्यादा कौन, 6 लाख। तो 6 लाख तक वो आराम से प्रोवाइड कर सकता है किसी भी तरह का सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। तो क्या होगा, ये उसका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। नॉर्मली ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि आप गुड्स के केस में गुड्स ही कर सकते हो, सर्विस नहीं कर सकते। लेकिन सर्विस अगर करोगे तो कितना, सर्विस अगर करोगे तो यही है 10% ऑफ दी वैल्यू या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, यही आपको समझा रहा था। दस ही कैन सप्लाई सर्विस अप टू वैल्यू ऑफ 6 लाख इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इफ द वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड एक्सीड 6 लाख ही बिकम्स इनएलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स एंड हैज टू ऑप्ट आउट ऑफ द सेम। अगर 6 लाख क्रॉस कर जाता है आपका सर्विस, गुड्स के साथ साथ सर्विस का सप्लाई करना अगर 6 लाख क्रॉस कर जाए तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो सर, कुछ समझ में आया? अभी अभी आ जाना चाहिए क्वेश्चन सर। बोलो एनी क्वेश्चन। अरे समझ में आया कि नहीं, कहता सबको आया, सिर्फ रश्मि को आया? था। ओके हाँ सर। सर प्रोविजन सर पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप क्या प्रोविजन है, बट जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है एग्जाम्पल के साथ कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, एक और एक चीज देखो जरा। इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेटरी टू सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। जनरली बिजनेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, है ना। ये बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है कि वो डिपॉजिट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, एडवांस देता है ना, बदले में इंटरेस्ट लेता है। या तो डिपॉजिट करके इंटरेस्ट लेगा या फिर लोन प्रोवाइड करके करेगा या फिर एडवांस देगा। हाउएवर दिस वे दे गेट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी का डिपॉजिट कहीं पर डिपॉजिट रखते हो, बदले में इंटरेस्ट लेते हो, लोन प्रोवाइड करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, एडवांस देते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो ये एक तरह का सर्विस हो गया। दिस वे दे गेट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस बाई वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस। ठीक है, सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, जो एक तरह का ऐसा सर्विस हो गया जो रेस्टोरेंट सर्विस से अलग हो गया। एंड वेर द इनकम फ्रॉम सच सर्विस कॉज द वैल्यू ऑफ सर्विस, है ना, सप्लाइड टू एक्सीड द वैल्यू, और आपका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसे ये डिस्कशन हम लोग एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में चर्चा करेंगे डिटेल्स में, बट फिर भी यहाँ पर रेलिवेंट पॉइंट है इसलिए बात एक बार कर देते हैं। तो रेफर टू इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 10% ऑफ द टर्नओवर क्रॉस कर जाए तो, या फिर 5 लाख, जैसे अभी हुआ ना 10% ऑफ टर्नओवर मतलब 10% का जो 60 लाख का 10% 6 लाख या फिर 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर, क्रॉस कर जाएगा तो कॉम्पोजिशन नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो बिजनेस है सेड बिजनेस वुड हैव बिकम इनएलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स एंड वन हैज टू ऑप्ट आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब अगर आप नॉर्मल बिजनेस के साथ साथ, ठीक है, मतलब दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू स्मॉल बिजनेस, मतलब अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली गुड्स का बिजनेस करते हो, बट नॉट रेस्टोरेंट, मतलब गुड्स के साथ साथ आप रेस्टोरेंट सर्विस नहीं देते हो, बट आप लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी का पैसा रखते हो, उसको बाद में मार्केट में लगाते हो, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, इस तरह से अगर आपका टर्नओवर, वही बोला ना आपको, अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाए, ठीक है, जैसे कि 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख, सिंपल बात है, 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, अगर ये वैल्यू क्रॉस कर जाता है तो आपको भी जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना उससे बाहर जाना पड़ेगा। और आपको पता है कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर जाने का क्या प्रॉब्लम है, मतलब रेगुलर टैक्स रेट आ जाएगा। आप लोगों ने देखा था ना चंपक के केस में, चंपक के केस में आप लोगों ने देखा था कि चंपक जब कॉम्पोजिशन स्कीम में था उसने जस्ट दोनों मिला के 1,80,000 का टैक्स भरा था, और जैसे ही उसका कॉम्पोजिशन स्कीम हट गया 3,60,000 देना पड़ा, पूरा डबल टैक्सेशन हो गया, मतलब डबल टैक्स देना पड़ा, डबल वैल्यू। तो कॉम्पोजिशन स्कीम से अगर बाई चांस हट जाता है नॉर्मल बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, उसको प्रॉब्लम तकलीफ का सामना करना पड़ता है सर। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के ही बिजनेस करना चाहिए। हाँ सर, कोई बोलेगा सर इस तरह से तो कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। नहीं सर, देखो क्या है ना, ये जो हमारा देश है बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस करता है, ये सब 5 लाख 6 लाख टर्नओवर ये सब नॉर्मल बात है,
लेकिन अब क्या है ना, मतलब एक रूल्स तो है, अब उस रूल्स के अंदर रहना पड़ता है। अब गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन उसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को पकड़ लेगा, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन टू सिचुएशन, बट देर इज रूल्स। इस रूल्स के हिसाब से सभी सभी को इस रूल्स के अंदर होता है। बट आप लोग बोलोगे सर ऐसे बहुत सारा बिजनेस है अनरजिस्टर्ड है, यस सर लॉट्स ऑफ, 130 करोड़ की, 35 करोड़ की आबादी है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, जो भी हो, बट रूल्स इज रूल्स। जब आप लोग काम करोगे रियल लाइफ में, आपको एज पर प्रोविजन ही काम करना पड़ेगा। ओके, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, चलो देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। रूल 5 है, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी हैज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। इट ही हैज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन हियर बाय नोटिफाइड, नोटिफिकेशन देके कुछ गुड्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, ठीक है। देखो आपको मैं बताया ना सर, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, इसका टैरिफ आइटम चैप्टर हेडिंग भी दे दिया, ये सब नंबर है, ये सब नंबर भी दे दिया, ये सब। जैसे आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हो, एडिबल आइस वॉट एवर आर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, ठीक है, वेदर आर नॉट एडिबल आइस वेदर आर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, ठीक है, वेदर आर नॉट कंटेनिंग कोकोआ डजेंट मैटर, आइसक्रीम आ जाएगा। मतलब आप कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, पान मसाला नहीं ले सकते, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स, एरेटेड वाटर्स, ठीक है, इस तरह का जो भी है, सोडा वाटर्स जो भी है, इसमें आपको कॉम्पोजिशन का नहीं मिलेगा। अच्छा, ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 9 सबसेक्शन 4, रिवर्स चार्ज भी पे करना पड़ता है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बहुत पे करना पड़ सकता है। ही इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो ऐसा है तो कॉम्पोजिशन पे नहीं आ सकता। ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। अच्छा, जो भी कैजुअल मतलब जो भी कॉम्पोजिट हो गए ना, उसको लिखना पड़ता है कि वो कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन है और वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, एट द टॉप ऑफ द बिल में लिखना पड़ता है, ठीक है। जो कॉम्पोजिशंस वाले होंगे वो अपने बिल के ऊपर ऐसे लिखता है, ठीक है। अब देखना चाहते हो, देखते हैं, चलो। देखे होंगे आप लोग, अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट के साथ जुड़ते हो और ये सब चीजें देखते हो ना, कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन जीएसटी बिल, देखता हूँ मिल जाना चाहिए, मिलेगा क्या? फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा तो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। कॉम्पोजिशन जीएसटी बिल फिलहाल नहीं दिख रहा है सर, अगर दिखेगा तो मैं बाद में आप लोगों को शो करता हूँ, ठीक है। कैसे दिखने में, मतलब लिखता है सर, हमने ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आप देखो अगर कॉम्पोजिट टैक्सेबल है तो वो लिख के रखता है। अच्छा, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट ए प्रोमिनेंट प्लेस एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब जो अगर वो कॉम्पोजिशन डीलर है तो लिख के रखेगा, ध्यान रखिएगा हाँ बात को। अच्छा, फर्दर द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम आर लायबल टू बी टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये सब चर्चा में रिवर्स चार्ज में बताया था, एक बार आप लोग रिवर्स चार्ज जरूर फिर से देख लीजिएगा। अ टैक्स देयर ऑन हैज बीन पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अच्छा, इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, इंटीमेशन खबर देना, इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन मे गिवन एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी इन पार्ट बी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। इसमें क्या नया बात है, रजिस्ट्रेशन जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक कॉम्पोजिशन स्कीम में कैसे आ सकता है ना, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होना जरूरी है। अच्छा, इंटीमेशन बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड है, मतलब ये तो पहले वाला जो था ये तो न्यू के लिए था, ठीक है, ऐसा न्यू, बट जो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है
रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपनी, तो पहले वो रेगुलर था, अभी शायद कंपोजिशन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशंस लेवी स्कीम शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। आप लोग जानते हो कि मैं बहुत बार आप लोगों को जीएसटी कॉमन पोर्टल दिखाया, gst.government.in, दिस इज ए जीएसटी कॉमन पोर्टल, यू हैव टू विजिट जीएसटी कॉमन पोर्टल, गवर्नमेंट का जो साइट है, यहाँ पर जाके आपको आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ से जाके आपको इंटीमेशन का दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप करोगे ना, आपको इंटीमेशन का सारा डिटेल्स, जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे एज ए टैक्स पेयर्स, ठीक है, आपके पास डिटेल्स होगा लॉग इन करने का, जैसे आपको लॉग इन डिटेल्स मिल जाए, आप उसमें लॉग इन करके, ठीक है, आप इंटीमेट कर सकते हो, आपका जो भी डैशबोर्ड आएगा वहाँ पर आपको सब कुछ देने का मौका मिलता है, ठीक है सर। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन कर लो जीएसटी कॉमन पोर्टल में जाके। सर अगर आप खुद नहीं कर पाते तो क्या करना पड़ता है जानते हो? चलो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। एकदम स्टार्टिंग में एक नोट्स आपके सामने विजिबल हो रहा था, एक पीडीएफ, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बोलो ना। अरे ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन बन सकता है जानते हो? इसका एग्जाम होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा अलग विथ योर सीएससीएसीएम में, जैसे तैयारी कर रहे करते जाओ, ठीक है। बट अगर आपको एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स काम करना है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर आजकल, बहुत अपॉर्चुनिटी, जीएसटी का काम करके पागल हो जाओगे, इतना इतना जगह है। तो ये एक्चुअली सेक्शन क्या दिख रहा है रे, जो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को कॉपी? हेलो सर, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनने के लिए जो आप लोग सीएससीएसीएम में जैसे कर रहे हो वो करते जाओ, बट इसके साथ साथ भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मतलब आफ्टर सीएससीएसीएम में भी एक स्पेशल मौका मिलता है। और अगर आप अभी भी बनना चाहते हो, किसी को बहुत जल्दबाजी है कि वो काम करना चाहता है, तो वो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन सकता है। सेक्शन 48 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड करता है ऑथराइजेशन ऑफ एन एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज एन अप्रूव्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। जीएसटी का मतलब पहले आपको तो इसमें जाके, ये क्या है आपका जो ये साइट है ना, कहाँ चला गया ये, इसमें जाके एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, रजिस्टर नाउ। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ कर दोगे ना, उसके बाद आपको लाइसेंस करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। रजिस्टर नाउ करने के बाद, ये रजिस्टर नाउ करने के बाद आपको एक साल का टाइम मिलता है, उस एक साल के अंदर आपको एग्जाम में बैठ जाना पड़ता है। किसका एग्जाम है जानते हो? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिरेक्ट टैक्स का, ठीक है, इसका एग्जाम है, उसी का एग्जाम आपको एक्चुअली ये देना पड़ता है। यहाँ पर नॉर्मली जो आप लोग जो पढ़ रहे हो ना अभी, जैसे फॉर चार्टर्ड, फॉर सीएस, फॉर सीएमए, आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वही सिलेबस है, बट थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लाइक वहाँ पर थोड़ा ना स्टेट जीएसटी का भी कुछ एरिया आपको कवर करना पड़ता है। ऐसे देखो, ये सीजीएसटी का एरिया है, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो दैट्स बेसिकली सीजीएसटी का एरिया है, बट अगर आप सीजीएसटी जानते हो तो बाकी जीएसटी भी उसी से बना हुआ है, तो वो ईजी हो जाएगा। और बस वो जैसे एनआईएसएम वगैरह का एग्जाम होता है ना, जो लोग शेयर मार्केट का एग्जाम देते हो, एनआईएसएम का एग्जाम वगैरह देते हो, वैसा ही जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का भी एग्जाम होता है। एनआईएसएम वगैरह देके सब कोई क्या करता है सर? स्टॉक मार्केट का अलग अलग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इक्विटी डीलर, ये सब करते हैं। इसमें आप जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन सकती, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। ये देखो, ये है इंस्टीट्यूट, मतलब बेसिकली जिसका लाइसेंस का वैल्यूएशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सीबीईसी, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ टैक्सपेयर सर्विस। जो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो एक्चुअली यही वाला लाइसेंस होल्डिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा रूल्स लिखा हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट एडजस्टेड, इंसॉल्वेंट, ये सब आप लोग जानते हो ऑलरेडी। पहले भी मैं बोला था बेसिक में, इसके बारे में मैंने बोला था कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कैसे बनते हैं, बट इसका रियल एग्जाम होता है सर, ठीक है। कंडीशंस फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, कौन कौन बन सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अच्छा ये देखो सर, डिस्क्रिप्शंस में पूरा प्रैक्टिशनर्स का दिया हुआ है। यहाँ पर एक लिस्ट है, एक सेकेंड रुको दिखाता हूँ। ये देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन सकता है, मतलब गवर्नमेंट चाहते किसको किसको है ज़्यादातर केस में। ये देखो यहाँ पर है क्या क्या एग्जाम पास करने के बाद आप कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड सर,
पता नहीं सर। अच्छा देखो, आज मिर्चा काटा था हाथ से और हाथ साबुन देना तो भूल गया, बार बार आंख में हाथ दे दे रहा हूँ और आंख जल रहा है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फाइनल एग्जामिनेशन दिख रहा है आप लोगों को, फाइनल एग्जाम ऑफ द ICAI चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, फाइनल एग्जाम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज आपका प्यारा CMA, एंड फाइनल एग्जाम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दैट मीन्स आप लोगों का प्यारा ICSI। ठीक है, ये लोग तो कर ही सकता है बट नॉट जस्ट दे, ठीक है, इनके अलावा एनी ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी है कि CA CA CMA बने तभी GST प्रैक्टिशनर्स बने? नो सर, नॉट लाइक दैट। इनके अलावा और भी लोग आ सकता है, जैसे ही हैज पास्ड अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग ए डिग्री इन कॉमर्स। ओके, कॉमर्स मतलब बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, लॉ पास किया है तो भी कर सकते हैं, LLB वाले, बैंकिंग ग्रेजुएशन वगैरह किया है बैंकिंग में इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई एनी लॉ फ्रॉम द टाइमिंग इन फोर्स। तो समझ में आया सर ये कौन कौन GST प्रैक्टिशनर्स का एग्जाम दे सकता है? यहाँ पर गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कट मेंशन करके रखा और इनको तो अलग से हाईलाइट किया। क्यों जानते हो इनको अलग से हाईलाइट क्यों किया? बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज नॉलेज इन इन कॉमर्स। इनके जैसा स्पेशलाइज नॉलेज कॉमर्स में और किसी को नहीं होता। दैट्स वाई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स ने भी और GST ने भी इसको स्पेशलाइज करके बताया, बाकी लोग एक तरफ ये लोग एक तरफ, बिकॉज दे हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस इनकम टैक्स, स्पेशलाइज नॉलेज होता है, कॉस्टिंग मतलब बिजनेस लेवल में जो जो चीज़ें चाहिए होता है वो सभी चीज़ इनको पता होता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल। कुछ समझ में आया आप लोगों? अगर आप लोग फ्यूचर में सोचते हो तो आप लोग कर सकते हो सर। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग NISM वगैरह तैयारी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजरीज के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप लोग ये GST का भी स्पेशल कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज पर्पस था बता दिया। क्यों बताया ऐसे सर? इसलिए बता दिए कि अगर आप खुद से कुछ नहीं कर पाते तो आपका जो मतलब जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना उनका जो प्रैक्टिस मतलब GST प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास वो चले जाते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी होता है, वो उसको इंटीमेट करने का काम कर देते हैं। बिजनेसमैन बिजी रहते हैं बिजनेस करने में, तो ये कंप्लायंस का काम कौन करता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर्स करते हैं, वो CA हो सकता है, CS हो सकता है, CMA हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अच्छा क्या बोलते हैं सर ही ऑल्सो अच्छा क्या बोला? प्रायर टू दी अच्छा कब इन्फॉर्मेशन देना चाहिए? GST कॉमन पोर्टल में जाके द इंटीमेशन शैल बी फाइल्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर व्हिच सेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ही शैल आल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 44 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST रूल 2017। ठीक है, इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे ITC पे, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा डिटेल्स चैप्टर आएगा, ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हो आई नो, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का 60 दिन के अंदर, अगर कुछ भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आप कितने दिन के अंदर कर सकते हो यहाँ पर ये बता हुआ है। ये देखो सर, यहाँ पर बहुत सुंदर करके दिया हुआ है कि कॉम्पोजिशन लेवी में जो आना चाहता है उसका कब से क्या होगा। जैसे कोई पर्सन फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन है कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। एंड अनदर पॉइंट इज दैट इफ दैट पर्सन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है देन कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। वो पहले से रजिस्टर्ड था, पहले कॉम्पोजिशन में नहीं था, अभी जाना चाहता है कर सकता है, अगर उसका एलिजिबिलिटी टर्नओवर लिमिट मैच करता है तो जा सकता है। बिजनेस कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर सब कुछ मतलब अगर वो बिजनेस कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकता जैसे कि पान मसाला टोबैको आइसक्रीम आप लोग जानते हो, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। देर इज अ पॉइंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी कब तक वैलिड रहता है जान लो फटाफट, ईजी है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रूल विथ रीड विद रूल 6 withdrawal from composition scheme by a taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed conditions. अगर आपका conditions fulfill नहीं करता है तो आपको withdrawal करना पड़ेगा।
ठीक है, सीज कर लेगा। द ऑप्शन क्या ऑप्शंस है? तो ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे अमाउंट अंडर कॉम्पोजिशन लेवी शैल रिमेन वैलिड सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड इन द रिलेवेंट सेक्शंस एंड रूल्स। फॉर इंस्टेंसेस द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्सेस फ्रॉम द डे ऑन व्हिच एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आप और नहीं रह सकते। अगर आपका टर्नओवर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक हो तो आप नहीं कर सकते। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह वाले हो, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक क्रॉस कर जाता है, आप और कॉम्पिटिशन्स में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में नहीं रह सकते। क्लियर है सब? क्लियर है? बोलो कि कब कब आपका कॉम्पिटिशन्स विदड्रॉल करना पड़ेगा। यस सर। थैंक यू सर। जिन लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे सभी में पूछते हैं एमसीक्यू, किसी किसी का तो पूरा क्वेश्चन ही एमसीक्यू है। आप लोग समझ रहे हो ना? ऐसे माइंड मतलब इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना, एमसीक्यू मिस नहीं होगा। इसी तरह से पढ़ना है, एकदम डिटेल्स, बारीकी से बोलते हैं उसको। ठीक है, सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 फ्रॉम द डे ऑफ डे ही सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर कॉम्पोजिशन लेवी ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई। जैसे ही आपका कॉम्पोजिशन हट जाएगा, अभी आप रेगुलर पेयर हो जाओगे, आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई देने से और नहीं होगा, अभी इनवॉइस देना पड़ेगा, मतलब टैक्स इनवॉइस। फादर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विदड्रॉल, आपको एक इंटीमेशन भी देना पड़ेगा कि आपका स्कीम विदड्रॉल हो चुका है इन प्रेस्क्राइब फॉर्म विद इन 7 डेज। याद रखिएगा, जैसे कॉम्पोजिशन में आने के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हो तो 60 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम हो रहे हो तो जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो रहे हो उसके बाद से आपका इंटीमेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप विदड्रॉल कर रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम, तो जिस दिन विदड्रॉल करोगे उसके 7 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा विदड्रॉल फॉर्म में। कहाँ होगा? वही गवर्नमेंट के साइट में, जीएसटी का जो साइट है। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम व्हिच विदड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम शैल बी टेक इफेक्ट शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाई हिम इन हिज इंटीमेशन, बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। ओके, बस इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। विदड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम बाई ए टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विदड्रॉ फ्रॉम सेड स्कीम, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम शैल बिफोर द डेट ऑफ सच विदड्रॉल फाइल एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। हाँ, कई कबार ऐसे भी होते हैं सर कि बिजनेसमैन खुद चाहते हैं कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम से हट जाए। क्यों? बिकॉज कॉम्पोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलता है ना, तो अगर मानो कि वो रेगुलर हो जाएगा ना तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, इनपुट क्रेडिट का। तो हो सकता है कि वो बोले कि मैं खुद ही हट जाऊं, तो वो ऐसा भी कर सकता है। विदड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम बाई ए टैक्स पेयर इंटेंस टू विदड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम, तो उसको सेम टू सेम प्रेस्क्राइब फॉर्म में बताना पड़ेगा उसका इंटेंशन। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम व्हिच विदड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट, सेम बात जैसे प्रीवियस में बोला, ऐसे इसका पहले वाला जैसे था ऐसा भी वैसा ही है। कुछ बातें याद रखिएगा। अच्छा, डेनियल डेनियल ऑफ ऑप्शंस टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज, मतलब अगर डिनाई कर देता है कौन? टैक्स अथॉरिटीज। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर्स हैज रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और हैज कंट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मतलब उसने कुछ रूल तोड़ा, ठीक है, वो डिनाई कर रहा है। डिनाइल कर रहा है कौन? टैक्स अथॉरिटी कर रहा है, टैक्स ऑफिसर कर रहा है कि भाई आप कॉम्पोजिशन लेने लायक नहीं हो, तो फिर आपसे कॉम्पोजिशन स्कीम छीन लिया जाएगा। ठीक है, आपका जो उसको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, SCN सो कॉज नोटिस, अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस ही शैल पास एन ऑर्डर आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिनाइंग द ऑप्शंस टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑप्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कंट्रावेंशन एज द केस में भी, मतलब आप और फर्दर कॉम्पोजिशन में नहीं रह सकते। ये कौन बताएगा? अगर प्रॉपर ऑफिसर्स को पता चला कि आप कुछ डिनाई कर रहे हो, कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे हो, टर्नओवर छुपा रहे हो, करते हैं ना सर लोग ये सब, ऑडिट में समझ में आ जाता है। ठीक है, कि कोई टर्नओवर छुपा रहा है कि नहीं छुपा रहे हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट में छुप पता चल जाता है, सीएस ऑडिट में, सीए का ऑडिट जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसमें पता चल जाता है। इसीलिए तो फाइनेंशियल ऑडिट में बहुत सारा कर छुपी हुआ है, तभी तो आजकल सेक्रेटरियल ऑडिट को इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट एक डिफरेंट एरिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल में चलता है, बट सेक्रेटरियल ऑडिट में ये सब मैटर में बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
In case of denial of option to pay tax under compositions levy by the tax authorities, the effective date of such denial shall be from the date including any retrospective date. अगर कोई पुराना डेट से हो तो भी हो सकता है कि भाई इनका compositions tax suppose पकड़ा गया 1st April 2021 को, बट पता ऐसे चल रहा है कि वो बहुत दिनों से अपना मतलब चोरी कर रहा है, बहुत दिनों से अपना टर्नओवर छुपा रहा है, उसको compositions मिलना ही नहीं चाहिए. तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव यूज करेगा, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराना डेट से उसको हटाया जाएगा. मे भी हो सकता है कि 1st अप्रैल 2019 से कर रहा है, हो सकता है, तो 2 साल का पूरा टैक्स लेके छोड़ेगा आपका. ठीक है, जितना दिन का आप छुपाओगे उतना दिन का लेके छोड़ेगा. तो रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है अगर आप रूल कॉन्ट्रावेंट करते हो तो, और अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको पकड़ लेता है तो. एक एग्जांपल देखो, ए पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम 9th दिसंबर. 9th दिसंबर को उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है, हो ही सकता है, बिजनेस ग्रोथ करता है तो टर्नओवर भी क्रॉस करेगा. द ऑप्शन अवेल्ड शैल बी लैप्स फ्रॉम द डे ऑन व्हिच इज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1.5 करोड़. तो किस दिन से उसका कॉम्पोजिशन हट जाएगा, एकदम 9th दिसंबर से, बिकॉज 9th दिसंबर वो जो रेखा था ना सर, वो रेखा पार कर गया 1.5 करोड़ का, कॉम्पोजिशन में रहने का लास्ट रेखा था 1.5 करोड़, और नहीं हो सकता. ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में होगा उस फाइनेंशियल ईयर में और कॉम्पोजिशन में नहीं रह पाएगा. कॉम्पोजिशन स्कीम टू बी एडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन. ठीक है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर हैव टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम, अदर्स बिकम इनएलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. ठीक है, अगर एक पैन में आपका नॉर्मल स्कीम हो जाता है तो फिर आपका ऑटोमेटिकली बाकी सब भी चला जाएगा. ए डीलर किशोरी लाल एंड सन्स हैज टू ऑफिसेस इन दिल्ली एंड इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स. इफ किशोरी लाल एंड सन्स ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द गुड्स, बोथ द ऑफिसेस वुड पे टैक्सेस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड अबाइड बाई ऑल द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द सेड कॉम्पोजिशन स्कीम. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑफिस कॉम्पोजिशन में है, दूसरा ऑफिस नॉर्मल में है. तो अगर दूसरा रेगुलर या नॉर्मल में है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पैन में आपको वो सुविधा नहीं मिलेगा. ठीक है, मतलब सिंपल बात है कि जो डीलर है उसको अगर कॉम्पोजिशन में रहना है तो हर ऑफिस को ही कॉम्पोजिशन में मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं. अच्छा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर जो होंगे, मतलब स्मॉल टैक्स, स्मॉल बेसिकली दे आर स्मॉल डीलर टैक्सेबल पर, मतलब इनको बेसिकली कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, ये किसी भी पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. और अपने दुकान में अच्छे जगह में उनको बताना पड़ेगा, मतलब जगह में ना उसको बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं उसको दिखाना पड़ेगा कि वी आर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, वी डोंट कलेक्ट टैक्स. ठीक है, इस तरह का बिल पे भी लिखना पड़ता है. तो टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑन सप्लाई इज मेड बाय हिम. इट इंप्लाइज दैट अ कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस. ठीक है, बहुत जालियाती हो जाते हैं, टैक्स के नाम पे चोरी कर लेता है गलत बिजनेसमैन. ठीक है, जिनका मनसा खराब हो वो बोल देता है कि ये जीएसटी का चार्जेस है, ऐसे बोल के आपसे टैक्स ले लिया और एक्स्ट्रा इनकम कर लिया, गवर्नमेंट के घर में कुछ ना पड़ा. ठीक है, तो ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है. ठीक है, टैक्स के नाम पे ले लेता है, अगर आपको क्या पता, आप तो सर्विस लेके गायब हो जाते हो, है ना. तो जो कॉम्पोजिशन डीलर है उनको लिखना पड़ता है, इसीलिए बिल पे लिखना पड़ता है. अब ये कस्टमर्स थोड़ी ना ये सब चीज़ों पे ध्यान देता है कि भाई आप कौन हो क्या हो, वो खाता है पीता है चले जाते हैं. कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर कैनॉट एंटर इंटू क्रेडिट चेन, वो आईटीसी के क्रेडिट चेन पे नहीं आता, बिकॉज कॉम्पोजिशन वाले को क्रेडिट मिलता ही नहीं है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ इररेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम. इफ ए टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम though he was not eligible for the scheme, the person would be liable to penalty and the provision of section 73-74 of the CGST act shall be applicable for determination of tax and penalty. उन पर बहुत पेनल्टी लगा जाएगा जो सेक्शन 73 एंड 74 में बात किया गया है. एक पूरा लिस्ट मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि क्या पेनल्टी कब कब चार्ज होता है, उसका अलग डिस्कशन होगा आपके साथ. ठीक है, ओके सर, ये अभी पूरा ओवरऑल चार्ज ऑफ जीएसटी कंप्लीट हो गया. इसी नोट्स के अंदर ये नोट आप लोगों को मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया, आपको समरी भी मिल जाएगा लेट एस रिकैप्चुलेट बोल के. ठीक है, तो रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, सारा पॉइंट यहाँ पर एकदम शॉर्ट करके दिया हुआ है. इफ़ यू नो दी होल मैटर
देन समरी इज ओके फॉर यू, बट इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन समरी आपके आसमान मतलब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा सर, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इफ यू नो द डिटेल्स देन समरी इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है? मस्ट गो थ्रू. अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस क्वेश्चन के मतलब इस नोट्स के नीचे वेरियस क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. एक क्वेश्चन डील करें अभी, चलो एक क्वेश्चन चलो डील करते हैं. विवेक गोयल सर, आप लोग कनेक्टेड हो, थोड़ा आवाज दीजिएगा. रिहाना कुछ तो बोलो. यस सर. यस सर. ओके. नहीं, कभी कभी क्या है ना, आप लोगों का आवाज इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ कि भूतों के साथ, है ना? तो आप लोग कभी कभी भूत बांध बन जाते हो ना, आवाज़ नहीं देते, तो मुझे लगता है कि मैं भूत के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए कभी कभी पूछताछ कर लेता हूँ कि सर भूत है कि इंसान है. विवेक गोयल एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ना भूत ना प्रेत, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. कहाँ पर? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड में. वाह, क्या एग्जाम्पल है, ए टू जेड, ना स्पेलिंग भी बड़ा सुंदर है. A to Z Private Limited भी independent director है. Has received the sitting fee amounting to 1 lakh from A to Z Private Limited for attending the board meetings. Who is person liable to pay tax in this case? Question समझ में आया? विवेक गोयल एक independent director है. कहाँ पर? A to Z Private Limited. Who is called independent director? आप लोग जानते हो. You already डिस्कस इन दिस मैटर अबाउट कंपनी लॉ क्लास एज वेल एज इन जीएसटी में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था. इस केस में कौन टैक्स पे करेगा? क्या कहते हो सर? 1 lakh का फीस लिया है, टैक्स कौन पे करेगा? बोलो सर, बोलो, ट्राई करो, इजी है सर, वेरी इजी, बोलो सर. कोई तो बोलो. जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी टू द सेड कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो तो पे नहीं करेगा बिकॉज डायरेक्टर भी है, ठीक है? और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, एम्प्लॉय है, तो TDS काटा जाता है. ये इसका चर्चा हो चुका है कि अगर वो एम्प्लॉय है कंपनी का तो उससे TDS भी काटा जाता है. बट छोड़ो, अभी तो इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टर से टैक्स थोड़ी ना दिया जाएगा, कंपनी देगा. तो यहाँ पर सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कंपनी है कि डायरेक्टर है? डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस देता है ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड को, तो यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, डायरेक्टर है कि ए टू जेड है सर? हेलो, कंपनी. कंपनी, तो यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है कंपनी, तो यहाँ पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्ट तो छोड़ो, बेसिकली ये पेमेंट करने से पहले ही, डायरेक्टर को पेमेंट करने से पहले यही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है और यही गवर्नमेंट को पे करेगा. तो देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट इज ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड. समझ में आ रहा है सर? इफ यू हैव ए नॉलेज, आपको क्वेश्चन का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बट अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो तो फिर आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत फीलिंग आएगा. अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं. चलो, क्रिकेट का एग्जाम्पल था ये. रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट अकेडमी, ठीक है? एन LLP. क्या है सर? LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वी विन क्रिकेट अकेडमी. डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस. रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट अकेडमी. वी विन क्रिकेट अकेडमी को कुछ स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, कौन? रघु एसोसिएट्स ने. वी विन क्रिकेट अकेडमी एक LLP है. आपको पूछा गया है कि डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस. हु इज द पर्सन हियर जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वी विन या रघु एसोसिएट्स? बोलो, जल्दी बोलो. रिसिपिएंट देगा कि सप्लायर देगा? रिसिपिएंट. हाँ सर, रिसिपिएंट. रिसिपिएंट देगा, दैट मींस यहाँ पर रिसिपिएंट कौन है? वी विन कंपनी. वी विन कंपनी. इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, जीएसटी इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज
by such body corporate or partnership firm located in the taxable territory. Further, for the reverse statutory purpose, limited liability partnership formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008 is also to be considered as a partnership firm. Therefore, in the given case, We Win Cricket Academy is liable to pay GST under reverse charge mechanism. स्पॉन्सर्स को ढूंढने नहीं जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है? इसीलिए जो स्पॉन्सरशिप रिसीव कर रहा है उसी से चार्ज किया जाएगा. ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ कि पूरा लंबा लिस्ट है अंदर की कौन RCM के थ्रू से टैक्स पे करता है, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, ठीक है? अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर. चलो देखते हैं क्वेश्चन फोर क्या बोला है. बहुत क्वेश्चन है, बस देखो मैं एक्चुअली सब कुछ आप लोगों को बता दिया, अभी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा आप लोगों को करना चाहिए. बिकॉज इतना डिटेल्स पढ़ने के बाद अगर आप लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं क्या बोलूँ सर आपको. बोलो सेफ ट्रांस ट्रांस अच्छा सेफ ट्रांस ये कंपनी का नाम है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, ठीक है? ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST. Determine the person liable to pay tax in this case. जल्दी बोलो कौन टैक्स पे करेगा, कपिल एंड कंपनी की सेफ ट्रांस? कपिल एंड कंपनी. कौन कौन सेफ ट्रांस के साथ हो और कौन कौन कपिल एंड कंपनी के साथ हो? सेफ ट्रांस. सेफ ट्रांस. देखो सर, ध्यान से देखो सर, सेफ ट्रांस या कपिल एंड कंपनी, झगड़ा चलेगा अभी. ओके चलो देख लेते हैं. सेफ ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब वो GTA है. इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ, GST इज लायबल टू बी पेड बाय सच पार्टनरशिप फर्म. देयरफॉर इन द गिवन केस कपिल एंड कंपनी इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज. सर देखो, जिसको सेफ ट्रांस लग रहा था मैं उनको बताऊं कि सेफ ट्रांस जो है ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है? कपिल एंड कंपनी जिनका फैक्ट्री है या पार्टनरशिप फार्म है, ये GTA का खेल ही है. आप बताओ सर, ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब यहाँ पर रिसिपिएंट कौन है? हु इज द रिसिपिएंट हियर? कपिल एंड कंपनी की जो GTA, कौन किसको सर्विस दे रहा है? सर ऑब्वियसली GTA सर्विस दे रहा है कपिल एंड कंपनी को, है ना? GTA सर्विस दे रहा है कपिल एंड कंपनी को. सो इट्स अ वेरी सिंपल सर. GTA का पूरा डिटेल्स हुआ था, अगर आप लोग मिस किए प्लीज गो थ्रू. ओके प्लीज गो थ्रू, बिकॉज GTA के अंदर बहुत डिटेल्स में बात हुआ था. इवन एक परसेंटेज का भी खेल आपको वहां पर समझा गया था. तो जिसने भी कपिल एंड कंपनी जवाब दिया, वेरी गुड सर, इट्स अ रिवर्स चार्ज. इस केस में GTA के केस में GTA सर्विस नहीं देता है, मतलब GTA नॉर्मली नहीं देता है आपका टैक्स लाइबिलिटी. वो जो रिसिपियंट ऑफ सर्विस है, नॉर्मली फैक्ट्री हो सकता है, किसी का भी जिसका कुरियर है वो देगा गवर्नमेंट को टैक्स. ओके सर, क्लियर है ना सर? सर यहाँ पर ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है. सभी डिफरेंट काइंड ऑफ केस लॉज टाइप्स, ठीक है? मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है? इसके अंदर तो 11-12 क्वेश्चन है ही, और इस नोट्स के मतलब मटेरियल के अंदर कुल मिला के हम लोग ऑलमोस्ट 6 एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिला के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, मतलब 10-10, 20 ऑलमोस्ट यहाँ पर है. आप लोग प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? कोई डाउट रहे तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है? लेकिन बिफोर दैट, क्वेश्चन करने से पहले अगर हो सके तो क्लासेस को रिवाइज कर भी लेना, अगर रिवाइज करना हो तो, ठीक है? GST का चार्ज का तीनों क्लासेस रिवाइज कर लेना. उससे पहले सप्लाई का नोट्स ऑलरेडी गिवन है, तो सप्लाई से अगर कुछ भी पढ़ना हो, उसका भी क्वेश्चन करना हो, रिवाइज कर लेना. रिवाइज करके करना, देखना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है? और मैं काफ़ी और MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, अब उसको भी सॉल्व करो, ठीक है? मैं कुछ रेडी किया, आप लोगों को भेजता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है सर, इतना ही आज. ओके सर, गुड नाइट फिर. बाय सर. ओके बाय. राक्षी दादा. टाटा सर. ओके टाटा.